आज का भारत पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी आगे बढ़ रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया अभियान चलाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ी अपने भविष्य में पहचान बना सके। इसी कड़ी में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए जिला चंबा के पांगी में फुटबॉल प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिससे विद्यार्थी पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे। ये प्रतियोगिता दो चरणों में खेली जाएगी। पहले चरण में ये प्रतियोगिता 16 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगी, जिसमें जूनियर टीमें भाग ले रही हैं, जबकि दूसरा चरण 19 अगस्त से 21 अगस्त तक होगा, जिसमें सीनियर टीमें भाग लेंगी। वही प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को 25,000 की धनराशि और उप विजेता टीम को 15,000 की धनराशि के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। मंडी, तो जब मैं SDM मंडी रही थी तो काफ़ी इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता था स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स के आयोजन होते थे। तो मैंने जब पांगी आई थी तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्ट जगाया था कि मैम हम पांगी में भी इतने हाई एल्टीट्यूड पे भी 10-11,000 फीट जो हाइट है उस पर भी हम एक स्टेट कम इंटर स्टेट लेवल का हम फुटबॉल टीम्स को बुला के एक टूर्नामेंट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा हुआ कि हम पांगी में फर्स्ट टाइम ऐसा एक आयोजन कर रहे हैं जहाँ फुटबॉल जो है उसका कार्यक्रम हो रहा है। अदरवाइज क्रिकेट का मेन स्टे है पांगी में, तो हम चाहते थे एक नई जो है वो खेल, एक तरह से फुटबॉल जो है वो इंट्रोड्यूस हो सके। तो तीन दिन जो है अभी 16, 17, 18 तीन दिन जो है हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और AMRS के बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग की जा रही है। बेबी लीग के नाम से जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है ताकि हम जो हमारी जूनियर एंड सीनियर उन बच्चों को सिखाएं भी और ट्रेनिंग भी दें। उसके बाद हमारी जो है मेन लीग स्टार्ट होगी 19th से 21st, तो उसमें जम्मू कश्मीर से भी टीम्स आ रही हैं, हिमाचल की तो टीम्स हैं ही। सो एक पांगी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है जहाँ पे बच्चों को एक नया एक्सपोजर मिलेगा, नई स्पोर्ट देखने का, सीखने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है जनरली बहुत ही बच्चा इसका फ़ायदा उठा के ज़रूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे इस स्पोर्ट में फ्यूचर में। ट्राइम फुटबॉल क्लब द्वारा जो राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ में फुटबॉल मैचों का आयोजन किया जा रहा है, इससे न केवल विद्यार्थी बल्कि हम सब टीचर्स भी बहुत उत्साहित हैं। पहली बार ये प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है और ये जो है ये प्रयास मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यहीं से जब इस लेवल से बच्चे जो है फुटबॉल खेलना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में घाटी से भी बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। मैं पांगी प्रशासन, खासकर हमारी आवासीय आयुक्त मैडम रितिका जिंदलकर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके प्रयासों से ये सब जो है संभव हुआ। तो मैं ट्राइम फुटबॉल क्लब के जो भी अध्यक्ष मेंबर है उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आगे भी जो है इस प्रकार के आयोजन का हमें जो है हम सौभाग्यमान होंगे कि इस प्रकार के आयोजन जो है हमें वो उपलब्ध करवाएंगे और इससे घाटी की जो प्रतिभा है वो निखर कर सामने आएगी। आपको बता दें कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए चंबा में खेल प्रतियोगिता करवाई जा रही है, ये खेल पांगी में आयोजित होगा। बातचीत के दौरान आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अन्य राज्यों से भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही जीतने वाली टीम को पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाएगी ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा खेल की ओर आकर्षित हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।